हेलो बच्चों, मैं फिर आज 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को लेकर आ गया हूँ। 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मोलिक्यूल, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एटम्स और मोलिक्यूल का साइंस है, बल्कि दो चीज इसमें मेनली पढ़ा जाता है। ऐसे होल यूनिवर्स को, पूरा ये पूरा यूनिवर्स जो है उसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट यूनिवर्स जो है वो दो टुकड़े में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट पार्ट उसका है वो मैटर है, और सेकेंड पार्ट जो उसका है वो है एनर्जी, ठीक है। तो मैटर को हम लोग मेनली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री का पार्ट है मेनली, और ये फिजिक्स का पार्ट है मेनली, ठीक है। तो यहां पे हम लोग, चूंकि ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो यहां पे मैटर के बारे में मेनली पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए कि इनर्जी तो कैपेसिटी टू डू वर्क होता है, और मैटर एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। मतलब दो चीज अगर है, दो प्रॉपर्टी किसी भी चीज में, अगर मास है, मास के कारण वेट भी आता है, तो यू कैन से कि वेट है उसमें अर्थ पे है। तो अगर किसी चीज में भी मास है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, इट मीन्स ये मैटर है। तो मैटर में दो प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक मास प्लस ऑक्युपाई स्पेस यानी कि वॉल्यूम। दो चीज अगर है तो वो क्या है, मैटर है। लेकिन अगर आप इनर्जी की बात करेंगे तो इनर्जी में मास नहीं होता है, नो मास मीन्स इनर्जी, एंड इफ देयर इज अ मास प्लस वॉल्यूम देन इट इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर और इनर्जी में डिफ्रेंशिएट है। तीसरा चीज भी है, वो है इमोशंस, ओके। तो तीसरी चीज जो है यहां पे वो है इमोशंस, और इमोशंस की बात करें तो इमोशन लॉजिकलेस होता है, और लॉजिकलेस बात की हम लोग साइंस में नहीं करते, इट इज द टॉपिक ऑफ आर्ट्स। इमोशन के बारे में कहा जाता है ना, इमोशन लॉजिक नहीं समझता है, और जो लॉजिक नहीं समझता है उसको हम लोग साइंस में स्टडी नहीं करते हैं। अब हम आ रहे हैं कि मैटर के बारे में। तो मैटर जो हुआ, ये मैटर, मैटर को हम कह सकते हैं कि ये मोलेक्यूल से बने होते हैं। मैटर किससे बना होता है, मोलेक्यूल से, ठीक। और मोलेक्यूल किससे बने होते हैं, मोलेक्यूल्स बने होते हैं आपको एटम्स से। एटम्स किससे बने होते हैं, तो एटम्स बने होते हैं आपको क्वार्क से, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये बने होते हैं क्वार्क से, ये बने होते हैं गॉड पार्टिकल से। क्वार्क बने हुए हैं गॉड पार्टिकल से, इसको अगर तोड़ते जाए तो ये क्या बनेगा, गॉड पार्टिकल्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कहना है कह सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। और इन तीन को फंडामेंटल बोलते हैं, अदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो अब हम आ रहे हैं मोलिक्यूल और एटम पे, चूंकि केमिस्ट्री क्या है, एटम और मोलिक्यूल का साइंस है, इसलिए केमिस्ट्री में हम लोग एटम और मोलिक्यूल के साथ साथ, एटम के साथ सॉरी मोलिक्यूल का मैटर से रिलेशनशिप और इलेक्ट्रॉन्स का एटम से रिलेशनशिप है। तो ये चार स्टेप तक हम लोग स्टडी करेंगे। मेन तो हमारा है मोलिक्यूल और एटम, और इसके साथ साथ मैटर और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही पढ़ेंगे। क्वार्क और गॉड पार्टिकल वगैरह फिजिक्स में पढ़ा जाता है, ये इसमें केमिस्ट्री में ज्यादातर नहीं। अब हम आ रहे हैं एटम और मोलिक्यूल के बारे में। तो मोलिक्यूल का क्या है,
स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो प्री एग्जिस्टेंस हो जिसका, वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर या सब्सटेंस कहेंगे तो बेस्ट कहलाएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस हैविंग फ्री एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो वाटर का मॉलिक्यूल जो सबसे छोटा वाटर का पार्टिकल होगा, जो इसका फ्री एग्जिस्टेंस होगा, वो होगा H2O। अगर हाइड्रोजन का प्री एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स देखेंगे तो H2, ऑक्सीजन का प्री एग्जिस्टिंग पार्टिकल देखेंगे तो O2। ये क्या हो गया? ये सब प्री एग्जिस्टिंग पार्टिकल है, अकेले रहते हैं, तो इसलिए ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कहलाएंगे। लेकिन अगर हम एटम की बात करें तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है, और इसका कोई जरूरी नहीं है कि ये फ्री रहे, ये फ्री नहीं भी मिल सकता है, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। और कुछ ऐसे एटम है जो फ्री वे में रहते हैं, तो उसका एटम कहिए या मॉलिक्यूल कहिए, बोथ आर सेम। तो अब यहां पे एटम्स क्या होगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, साथ में उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, उससे आएंगे तो क्वार्क, उससे आएंगे तो क्वार्क पार्टिकल, लेकिन इसमें उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो नॉर्मल, वो फंडामेंटल पार्टिकल हो जाएगा। लेकिन अगर एलिमेंट को छोटा काटे और एटम्स बनेगा, वो स्मॉलेस्ट है, उसके बाद अगर स्मॉल करेंगे तो उसमें उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो फंडामेंटल पार्टिकल हो जाएगा। तो इस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल की बात हम लोग नहीं करेंगे, उससे ऊपर की ही रहे हैं। तो एटम्स क्या हुआ? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसमें उसकी प्रॉपर्टी होती है विथ प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और फ्री एग्जिस्टिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा तो एच अगर एक एटम है तो डेट इज कॉल्ड एटम, और एच टू हो गया तो मॉलिक्यूल। अगर यहीं पे अगर सोडियम एक एटम है तो वो एटम, और सोडियम क्लोरीन एक एटम है तो एटम, और सोडियम और क्लोराइड कंबाइन हो गया तो मॉलिक्यूल इनिशियल। एक एक्सेप्शन भी है, जैसे हो गया आपको नियॉन तो या हीलियम, ये एटम और मॉलिक्यूल दोनों में पाया जाता है, क्योंकि हीलियम के एटम का फ्री एग्जिस्टिंग है, इसलिए हीलियम का एटम भी वही और मॉलिक्यूल भी वही। तो एटम और मॉलिक्यूल में वनली सिर्फ ये अंतर है कि एटम जो होता है वो अकेले रहता है, मॉलिक्यूल कंबाइंड वे में रहे या फ्री एग्जिस्टिंग सियोर चाहिए उसको, और एटम में फ्री एग्जिस्टिंग का सियोरिटी नहीं। तो यहां पे हमने मैटर को देखा, और मैटर के बाद हमने देखा कि मैटर मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल एटम से, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, ये क्वार्क से, ये गॉड पार्टिकल से। ये अभी अंडर रिसर्च है, क्वार्क तीन तरह के होते हैं, लेकिन मेनली हमको केमिस्ट्री में किसको पढ़ना है? एटम और मॉलिक्यूल को। तो वही एटम और मॉलिक्यूल को पढ़ना है, तो एटम का जैसे मेरे बारे में स्टडी करने के लिए मेरे पापा और मेरे बच्चों दोनों को स्टडी करना होगा, इन द सेम वे जिसे आप ही लोगों को जानना है, तो हम क्या करेंगे? आपके और आपके फादर्स को भी, आपके फादर को भी जानेंगे, और प्लस में आपके फादर मदर जो भी है वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाएंगे, आगे भी और पीछे भी। तो सेम वे में मॉलिक्यूल के नेक्स्ट जनरेशन और एटम के भी नेक्स्ट जनरेशन, ये दोनों को हम कवर करेंगे केमिस्ट्री में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल, थैंक यू।